कैसे हैं आप सब आई होप आप लोग ठीक होंगे आज हम पढ़ेंगे एनिमल्स अराउंड अस वी ऑलरेडी नो देअर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस सम ऑफ देम लिव अराउंड अस सम लिव इन फॉरेस्ट हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे आसपास डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं कुछ हमारे आसपास रहते हैं तो कुछ फॉरेस्ट में रहते हैं वी विल नो वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स वट आर द होम और वाइल्ड एनिमल्स वट आर द होम ऑफ डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स एनिमल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट ये हम पढ़ेंगे आज देखिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स अराउंडगराइज इन टू मैनी ग्रुप्स हमारे आस पास डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं और वो अलग अलग ग्रुप्स में कैटेगराइज होते हैं जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स द एनिमल्स विच वी कीप अराउंड आर होम्स और इन द फार्म फॉर सम यूज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स काओ बफैलो गोट होश शीप डोंकी हैन, कैमल एटसेट्रा आर डोमेस्टिक एनिमल्स देखें। वो एनिमल्स जिन्हें हम अपने यूज के लिए अपने घर के आसपास या फिर फार्म में रखते हैं उन्हें हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कि काव बफेलो गोट हो, शिप डोंकी कैमल ओके पेट एनिमल्स सम एनिमल्स लिव विदे आर कॉल्ड पेट एनिमल्स डॉग कैट पैरट रैब एटसेट्रा आर पेट एनिमल्स पेट एनिमल्स वो होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं ठीक है जिनकी हम केयर करते हैं तो वो पेट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं डोग कैट पैरट रैबिट ओके वाइल्ड एनिमल्स सम एनिमल्स लिव इन जंगल दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स लाइन एलिफेंट फोक्स जिराफ टाइगर बेयर एसेट्रा आर वाइल्ड एनिमल्स दे कैन बी सीन इन अ जू देखिये वाइल्ड एनिमल्स वो होते हैं जो कि जंगल या फिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं इन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं एलिफेंट फोक्स जिराफ टाइगर बेर ये सब क्या होते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इन्हें आप जू में भी देख सकते हैं बर्ड्स मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई दे हैव विंग्स टू फ्लाई सम बर्ड्स कैन स्विम टू देखिये बहुत सारी बर्ड्स ऐसी हैं जो की उड़ सकती हैं और कुछ स्विम भी कर सकती हैं कौन कौन सी बर्ड्स होती है स्पैरो पिजन पिकॉक डक डक स्विम कर सकती है ओके इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स आर फाउंड एवरीवेयर दे हैव सिक्स लेग्स सम इंसेक्ट्स कैन फ्लाई देखिए इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो हर जगह देखे जा सकते हैं ठीक है कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि उड़ भी सकते हैं जैसे कि एंट बटरफ्लाई हाउस फ्लाई कॉकरोच ठीक है हाउस फ्लाई बटरफ्लाई और कॉकरोच उड़ सकते हैं और एंट आपकी छोटी सी इंसेक्ट होती है एकवेटिक एनिमल्स सम एनिमल्स लिव इन वाटर दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स फिश वेल टोटो शार्क डॉल्फिन स्टार फिश एट्सेट्रा आर एक्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स जो कि पानी में रहते हैं उन्हें हम एकवेटिक एनिमल्स कहते हैं जैसे कि फिश टोटोय वेल डॉल्फिन ओके लेट्स नो वेल इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ एलिफेंट इज दैंड लैंड पेनिमलिट ओके पोस्ट डू एंडसर्कल दन आउट इन ईच ग्रुप ये आप खुद से करेंगे होम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट काइंड ऑफ होम्स देखिए वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होम्स में रहते हैं फॉर एग्जाम्पल देखें यहाँ वाटर एंड ऑन लैंड क्रोकोडाइल जो है वो वाटर और लैंड दोनों जगह रहता है ठीक है अ मंकी लिव्स ऑन ट्री पेड़ों पे मंकी रहते हैं ठीक है बर्ड्स बिल्ड देयर ओन नेस्ट चिड़िया जो है अपना घोंसला खुद बनाती है ठीक है रैबिट डिग्स देयर ब्यूरो रैबिट धरती में खड्डा खोद के उसमें रहता है ठीक है बेर लिवस इन केव्स बेर जो है वो केव्स में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स लाइक जेब्रा जिराफ डियर एंड एलिफेंट मूव अबाउट इन द फॉरेस्ट दे डू नॉट मेक देयर ओन होम्स दे रेस्ट अंडर द ट्रीज देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने लिए शेल्टर नहीं बनाते उनका शेल्टर होता है ट्रीज वो ट्रीज के नीचे रहते हैं जैसे कि जेब्रा जिराफ डियर एलिफेंट ओके होम्स फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स वी मेक डिफरेंट शेल्टर्स फॉर आर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स जो हमारे पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम अलग अलग तरीके के शेल्टर्स यानी कि घर बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल हॉर्सेज लिव इन स्टेबल हॉर्सेज जो होते हैं यहाँ पर पिक्चर देख सकते हैं आप हॉर्सेज जो होते हैं वो स्टेबल में रहते हैं काउस लिव इन अ शेड काउज शेड में रहती है हैंस लिव इन अ कोप हैंस कूप में रहते हैं डॉग्स लिव इन अ कैनल डोग कैनल्स में रहते हैं फिश आर कैप्टन एक को हम एक्वेरियम में रखते हैं फूड फॉर एनिमल्स एनिमल्स है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स का फूड खाते हैं ठीक है उनके ईटिंग हैबिट्स के ऊपर एनिमल्स को थ्री डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है एक होता है हार्बीवोर्स कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स ठीक है पहले हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स सम एनिमल्स लाइक जेब्रा एलिफेंट डियर जिराफ काउ एट्रा ईट ओनली ग्रास फ्रूट्स एंड लीव्स दे आर कोल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोर्स देखिए जेबरा एलिफेंट डियर जिराफ काउ ये वो एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ ग्रास खाती हैं या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाती हैं ओके okay? इन एनिमल्स को हम प्लांट ईटिंग एनिमल्स या फिर हर्बीवोर्स कहते हैं कार्निवोर्स सम एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर स्नेक एट्रा किल एंड एनिमल लाइक स्नेक स्वेलो देर प्रेम देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनका फ्लैश मतलब के उनका मास खाते हैं ठीक है कौन कौन से ऐसे एनिमल्स होते हैं लायन टाइगर्स स्नेक वुल्फ ठीक है ऐसे एनिमल्स को हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स या फिर कार्निवर्स कहते हैं स्नेक जो होता है वो उसका जो भी शिकार होता है प्रे मतलब के शिकार जो शिकार होता है उसे वो निगल जाता है चबाता नहीं है सीधा निगल जाता है ओके ओमनिवर्स सम एनिमल्स लाइक डोग बियर क्रो एक्सेट्रा बोथ ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स दे आर कोल्ड ओमनिवर्स कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं उन्हें हम ओमनिवर्स कहते हैं एग्जाम्पल डोग बेयर क्रो ठीक है स्केवेंजर्स सम एनिमल्स लाइक फोक्स जैकल वल्चर्स एक्सेट्रा ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स दे आर कोल्ड स्केवेंजर्स इन द वे दे कीप जंगल क्लीन देखिए जो स्केवेंजर्स होते हैं जैसे कि फोक्स चैकल या फिर वल्चर्स ठीक है ये जो स्केवेंजर्स होते हैं ये डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं जो एनिमल्स मर गए हैं उनका मांस खाते हैं ठीक है इन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं इस तरीके से ये क्या करते हैं जो मरे हुए एनिमल्स हैं उन्हें खा लेते हैं जिसकी वजह से जंगल जो है वो क्लीन रहता है ओके लेट्स नो अ पाइथन इज अ स्नैक दैट कैन ओपन इट जो सो वाइड दैट इट कैन स्वेलो एन एनिमल लार्जर देन इट्स सेल्फ पाइथन पाइथन एक स्नैक होता है उसका जो जो होता है जबड़ा वो उसको इतना बड़ा खोलता है कि वो अपने साइज से भी बड़े एनिमल्स को ईजिली खा सकते हैं ओके सम अप एनिमल्स दैट वी कीव फॉर सम यूज आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स एनिमल्स दैट लिव इन जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स Birds have wings to fly. Insects have six legs. Animals that live in water are called aquatic animals. Wild animals live in different kinds of homes. Plant eating animals are called herbivores. Flesh eating animals are called carnivores. Animals that eat both plants as well as animals are called omnivores. Animals श ऑफ डेड एनिमल्स आर कोल्ड स्केवेंजर्स तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा अब इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे